कैथल नगर परिषद के ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को लॉकडाउन के बीच विरोध प्रदर्शन किया। 30 जनवरी को ठेके पर काम कर रहे 65 कर्मचारियों का अनुबंध समाप्त हो गया था। अनुबंध की बहाली के लिए ये कर्मचारी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। 16 फरवरी को स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रॉकी मित्तल ने इनको 5 दिन में काम पर वापस लेने की व्यवस्था करने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया। कर्मचारी नेता शिवचरण ने बताया कि इन कर्मचारियों का 15 दिन का वेतन भी ठेकेदार के पास बकाया है। प्रशासन द्वारा इन कर्मचारियों के चेक बना दिए गए हैं। शिवचरण ने आरोप लगाया कि चेयरपर्सन सीमा कश्यप द्वारा साइन न करने से कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं हो रहा। तालाबंदी के चलते इन परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। सफाई कर्मचारी जो रात को कार्य कर रहे थे, 30 जनवरी को ठेका खत्म होने के बाद इन्हें कार्य मुक्त कर दिया और ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। 16 फरवरी को यहाँ का सीएम का मीडिया प्रभारी रॉकी मित्तल और यहाँ के प्रशासन ने 5 दिन का समय दे करके आश्वासन दिया भाई आपको नौकरी पर दिया जाएगा, लेकिन आज 1.5 महीना भी जाने के बावजूद इनको वापस नौकरी पर नहीं लिया गया, जबकि 300/1 के तहत इनको दोबारा उसी ठेकेदार के पास नौकरी पर रखा जा सकता है। इससे अलावा उस ठेकेदार के पास इनका 15 दिन का वेतन बकाया, यहाँ के प्रशासन ने 15 दिन का चेक काट दिया। यहाँ का जो चेयरमैन है सीमा कश्यप, वो 15 दिन का जो वेतन है उस पर साइन नहीं कर रही। ये 65 कर्मचारी है, इस महामारी के दौर में 65 बच्चा 5 परिवार के सदस्यों समेत लगभग 350 लोग 8-3 महीने से भूखमरी के कगार पर है, जिसको लेकर के हमने यहाँ के प्रशासन को डीसी महोदय को कई बार लिखित में दे चुका है, लेकिन ये यहाँ का प्रशासन इनको ना तो रोजगार दे रहा ना 15 दिन का वेतन दे रहा, जबकि इस कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने लोगों के लिए खाने की स्वास्थ्य की व्यवस्था की हुई है, लेकिन ये लोग 300 परिवार रोटी के लिए भी रोजगार भी छूट गया और रोटी के लिए मोहताज है। तो हमारी अपील है इनको वापस नौकरी पर बहाली मिले और 15 दिन का जो वेतन जो चेयरमैन साहब ने किया साइन करके इनको वेतन दिया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल नगर परिषद के कामकाज के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।